हवाले जानने की सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप की शुरुआत हो चुकी है। 5 अप्रैल तो जड़े ने मैचों की लड़ी चल रही, एक तो बाद एक दमदार से रोमांचक जड़े ने मुकाबले से देखने को मिल रहे हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी के स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट विखे जोड़ा है पूरा टूरनामेंट जोड़ा करवाया जा रहा है। काफ़ी सारे ये नैशनल प्लेयर्स भी ये मौजूद ने, अड्डो अड्डी स्टेट्स तो आए हुए हैं। खास इस वेले प्रज्ञा ने जिन्हों ने एशियन गेम्स के ब्रॉन्ज मैडल विन किया और लास्ट ईयर भी जे सीनियर नैशनल चैंपियनशिप भी इन्होंने जोड़ा है विन किया खिताब। इस वे सा तो जानते हैं ओवरऑल एशियन चैंपियनशिप तो अलावा और काफ़ी सारी उपलब्धियां इन्होंने हासिल की ने कि ने खुद ही दसेंगे। 2014 में थॉमस उबेर कप हुआ था दिल्ली में, उसमें भी इंडियन टीम के लिए हमने ब्रॉन्ज जीता था। फिर इंडिविजुअल इवेंट्स में पोलिश ओपन वुमेन डबल्स में मैं विनर रह चुकी हूँ, श्रीलंका ओपन में रनर अप रह चुकी हूँ, बांग्लादेश ओपन में विनर रह चुकी हूँ। तो बेसिकली पिछला साल मेरे लिए काफ़ी अच्छा था। जिमें कि थोड़ी एज बहुत ही ज़्यादा तो नहीं है, सो इस तो 25 इज़ नॉट मच एंड तुम इन्हें सारे जोड़े हैं अवार्ड्स भी जीते ने, इन्हें सारे टूर्नामेंट्स भी खेले ने, कि उम्र से तुम जोड़ा है बैडमिंटन में चेस करना शुरू कर देता थी? मैंने स्टार्ट किया था एट द एज ऑफ 9 और मैंने स्टार्ट किया था नागपुर से जो महाराष्ट्र में है, और उसके बाद मेरी जर्नी ऐसे ही स्टार्ट हुई और अब मैं हैदराबाद में खेलती हूँ गोपीचंद एकेडमी में और वहीं पे नेशनल कैंप्स होते हैं, तो आई एम अ पार्ट ऑफ द नेशनल कैंप, तो उस वजह से हमारी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होती है वहाँ पे एंड आई होप अभी और कुछ साल में खेल पाऊंगी। लास्ट ईयर ऐसे टूर्नामेंट में तुसी जड़ा है खिताब भी हासिल किया, फर्स्ट पोजीशन हासिल की है, किस तरह का लग रहा है दोबारा हम टूर्नामेंट हो रहे हैं इधर भी तुसी चंगी अपनी परफॉर्मेंस दे रहे हो, की डिफरेंस लग रहा है लास्ट ईयर से इस ईयर? मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये टूर्नामेंट बिकॉज मैं एक बहुत सीवियर इंजरी से वापस आ रही हूँ, तो मेरे लिए अपने आप को प्रूव करना इस टाइम बहुत ज़रूरी है एंड अगेन हम डिफेंडिंग चैंपियन हैं, हम लास्ट ईयर जीत चुके हैं, तो मेरे लिए फिर से ये टूर्नामेंट जीतना बहुत ज़रूरी है। इस बार ये जी सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप है वो चंडीगढ़ विखे हो रही है, लास्ट टाइम नहीं हुई थी, सो किवें लग रहा है थोड़ा चंडीगढ़ आके टूर्नामेंट जोड़ा है खेलना? वेल हमें बहुत पसंद है चंडीगढ़, में पहले ऑल इंडिया खेल चुकी हूँ यहाँ पे काफ़ी साल पहले, बट यहाँ पे अरेंजमेंट्स सब बहुत अच्छे हैं, होटल की अरेंजमेंट्स, यहाँ खाने की अरेंजमेंट्स, ट्रांसपोर्ट की अरेंजमेंट्स सब बहुत अच्छा है एंड बेसिकली हम सब प्लेयर्स को यहाँ चंडीगढ़ सिटी बहुत अच्छी लगती है। चंडीगढ़ का प्रोफेशनली थोड़ा कितना साउंड लग रहा है ऑर्गेनाइजिंग कमेटी स्पेशली चंडीगढ़ ऑर्गेनाइज इस पर ही जोड़ा है सीनियर नेशनल है, कितना डिफरेंस नज़र आ रहा है? मेरे ख्याल से तो बहुत अच्छा हो रहा है यहाँ पे टूर्नामेंट, सब ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के से लेके बाकी सब प्लेयर्स की अरेंजमेंट्स और सब कुछ बहुत अच्छा है यहाँ पे, और हम मतलब प्लेयर्स को बहुत कंफर्टेबल किया जा रहा है यहाँ पे। आज जे इस टूर्नामेंट की गल की जाए जो थर्ड डे हैगा कितने वेख रहे हो तुम अपने आप में, तो फाइनल में लेके कि तुम अपने आप में देख रहे हो? होपफुली फाइनल्स तो खेलेंगे, मतलब मैं होप कर रही हूँ वैसे, क्योंकि काफ़ी प्रैक्टिस करके आए, काफ़ी मेहनत करके आए हैं और अच्छा ड्रॉ है, तो हम जरूर कोशिश करेंगे फाइनल के। कोई अजिहे प्लेयर तो खतरा नज़र आ रहा है क्योंकि सारे इतने जाबाज प्लेयर ने, चंगे खिलाड़ी इतने नज़र आ रहे हैं नेशनल तो वो भी कहीं आए हैं, किसी एक दो प्लेयर्स तो लग रहा है कि नहीं एक कॉम्पीटिशन ये तकड़ा हो सकता है, ये भी मैंने होर मेहनत करने की जरूरत है? वेल वैसे तो सारे पेयर्स ही अच्छे हैं जो हमें सेमीफाइनल्स में, एक एयर इंडिया का पेयर है वो भी अच्छा पेयर है और होपफुली जो फाइनल्स में आएगा वो भी एक अच्छा पेयर है पेट्रोलियम स्पोर्ट्स का, तो बट अब अपनी मेहनत दिखा के हमें जीतना है। प्रणव चोपड़ा मौजूद है, दसना चाहूंगी कि एशियंस और कॉमनवेल्थ गेम दोनों में ही जड़े हैं अपने कला पे जोर दिखा चुके हैं। अभी रिसेंटली हमारा बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप हुआ था जिसमें इंडियन टीम को ब्रॉन्ज आया और मैं टीम मेंबर था, प्लस रादर प्लेइंग मेंबर था, और दूसरा दिसंबर में एक बांग्लादेश ओपन हुआ उसका विनर, फिर इंडिया में टाटा ओपन हुआ उसके हम रनर अप थे, और एक बहुत बड़ी चैंपियनशिप होती है सैयद मोदी जीपी गोल्ड होता है उसमें हमारा सिल्वर मेडल था, तो अभी काफ़ी टाइम से काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस चल रही है। अभी रिसेंटली हम इसके पहले हम इंडिया ओपन खेल के आए दिल्ली में, जहाँ पे हमने मिक्स डबल्स में वर्ल्ड नंबर 12 पेयर को हराया कोरियंस को, तो अभी अच्छा फॉर्म चल रहा है, आई होप कि हम उसको यहाँ पर उठाएं और यहाँ वैसा खेलें। इस टूर्नामेंट में तुसी कैसे देख रहे? बहुत अच्छा लगता है ना मतलब नॉर्थ में कोई टूर्नामेंट ले रहा था, क्योंकि मैं खुद पंजाब से हूँ और नॉर्थ में इतने टाइम बाद एक टूर्नामेंट आया और वो भी नेशनल चैंपियनशिप जो इंडिया का सबसे बड़ा टूर्नामेंट होता है, तो आई होप कि ये टूर्नामेंट सक्सेसफुल है। चंडीगढ़ पहली बार अजिहा टूर्नामेंट जो है ऑर्गेनाइज कर रहे, की कहना है? बहुत अच्छी बात है मैम, क्योंकि सारे इंडिया के प्लेयर्स यहाँ पे आए हैं और उन सबको वो लेके आए हैं, ऑर्गेनाइज वैसे किया और इतना
अच्छा इतना कंफर्टेबल स्टे, इतना अच्छा खाना हमें दे यार, तो मेरे को नहीं लगता कि किसी भी प्लेयर के लिए कोई मुश्किल होने वाली है। इस टूर्नामेंट में बैक टू बैक जड़े मैचेस चल रहे हैं, तुसी फाइनल विच अपने आप दे देंगे? बिल्कुल मैम, पूरी कोशिश तो यही रहेगी कि पूरा जोर लगाएं, और मैं दो इवेंट खेल रहा हूँ, डबल्स और मिक्स डबल्स खेल रहा हूँ, तो मेरी कोशिश तो यही रहेगी कि दोनों डबल्स और मिक्स दोनों में फाइनल पहुंचूं और फाइनल जीतूं ये टूर्नामेंट। ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕ ਸਾਨੂੰ ਯੂਟਿਊਬ ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ